हाय सर. हाय जी. एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस या फिर जॉब, जो भी हो सकता है, बिकॉज सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारा जॉब कौन करेगा? ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी, जो भी हो सकता है. तो सर वो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं. तो वो होता है ना कि चार नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, गिरेंगे नीचे कभी ना कभी. तो अभी वो बस टाइम आने वाला है. ये आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर शादी हो चुकी है. अच्छा, शादी हो चुकी है, उसके बाद भी तीन और हैं. सर पिटवाओगे क्या घर जाके? सर मैंने सारी वीडियोस देखेंगे, तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज. बिल्कुल नया दूंगा आपको, आज से पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब. जवाब दू? हाँ. डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आप में से आज? सच सच बताओ. पीछे वाले नहीं है, लेट आए, पीछे बैठना पड़ा. गुस्सा आ रहा है, मारो इन आगे वालों को, निकालो अपनी भड़ास. मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लड़वाने. तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ आपको आज क्या होने वाला है. हर सेशन में मेरा क्या होता है कि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, जो आज से पहले कभी नहीं किया है. एंड इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि ना आपको पता है कि क्या होने वाला है, ना मुझे पता है, तभी मजा आएगा. देन यू विल बी ऑन द एज ऑफ योर सीट. सो क्या करेंगे, आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये है कि आई हैव टू गिव द आंसर इन जस्ट वन लाइन. आप बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ रोज लोगों से इंटरेक्ट होता है जिनको हम पसंद नहीं है या वो हमें पसंद नहीं करते, तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए? जो दूर रहो. बट करना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल रिलेटिव्स भी होते हैं जिनसे बनती नहीं है या जो हमें पसंद नहीं करते. आंसर आ चुका है. ज्यादा कहने से भी कुछ होता तो है नहीं, जिसको समझ आना है उसको एक लाइन में भी आ जाए, नहीं आना. लेकिन सर अब देखो, मैं हिंट दे देता हूँ वैसे यहाँ पर थोड़ा सा, कि आप मतलब कैसे निकाल सकते हो. मैंने कहा उनसे दूर रहो, तो हो सकता है आप फिजिकली दूर नहीं रह सकते, उनके पास रहना ही पड़ेगा. मेंटली तो दूर रह सकते हो ना, थोड़ा डिस्टेंस. दो तरह का डिस्टेंस होता है, अंदर का डिस्टेंस, बाहर का. मैंने आपको बस हिंट दिया है इस आंसर के लिए, आगे से मैं हिंट भी नहीं देने वाला. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर. आपके वीडियोज देख के ये समझ में आता है कि ना खुश रहना अपने हाथ में ही होता है, दिमाग में ही है. अगर हम खुश और दुख दिमाग से ही है, लेकिन फिर भी सर हम खुश नहीं रह पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है. तो वो क्यों, मतलब पता है कि हम अपने दिमाग से ही दुखी हैं सोच सोच के, लेकिन फिर भी कई बार दुखी हो ही जाते हैं, ऐसे क्यों सर? अरे रुको एक मिनट यार, आप लोग बिल्कुल ही, आई हैव टू पुट इट इन वन लाइन ना. हाँ एक मिनट. जैसे हम नींद लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, इसी वजह से नींद नहीं आती है. ऐसे ही जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, इसी वजह से दुखी रहते हैं. अब थोड़ा दिमाग लगाना है आज के सेशन में, मतलब मैं नहीं लगा रहा आप लोगों के लिए दिमाग, नहीं तो आप कहते हो हाँ अब आगे. हाँ, इसका क्या मतलब है? अब दिमाग लगाओ कि क्या मतलब है. बात गहरी है, बट अगर पकड़ पाए तो जीत जाओगे, मतलब अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करो. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ. 7 ईयर्स मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर खोलने का काफ़ी एम है. बट मैं अभी जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ, और मेरा बेबी भी है छोटा 4 ईयर्स का. तो बजट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब स्विच नहीं कर पा रही हूँ, कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो स्कूल फीस और जो घर ले आया है वो बजट कैसे कंट्रोल होगा. बस बिजनेस तब नहीं करना चाहिए जब आप करना चाहते हो. बिजनेस तब करना चाहिए जब आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो. क्या बात है मुशायरा चल रहा है सर, क्या हो रहा है? मैं गजरे माऊ यार सर, क्या बात है सर. सर एक और सर. मॉर्निंग सर. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, या फिर मतलब मेरे फैमिली को लगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की, तो क्या होता है ना कि जब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि चलो ठीक है एक प्रॉब्लम आई, बट ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट क्या होता है जैसे मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी गलती होती है ना, घूम फिर के मुझे वहीं पर उसी टॉपिक पर ले जाते हैं, मतलब घूम फिर के सारी बातें वहीं पहुँच जाती है, तुमने तब ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना?
तो मुझे ये समझ में नहीं आता। अब सर जैसे मेरी वाइफ है या फिर मेरे पेरेंट्स, अब मैं उनको दूर तो नहीं कर सकता, जैसे आप कहते हो दूर हो जाओ उनसे, वो भी नहीं हो पाता, तो फिर इसको सर मैं कैसे सॉल्व करूँ? ये मेरी ले रहे, लेकिन आपके अंदर से सब क्या आ रहा है? दूर हो जाओ, कैसे दूर हो जाओ, कुछ भी बोलते हो। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश रहें, मेरे पास रहें, तो कैसे इसको सॉल्व करूँ सर? आज के बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा बोले तो आप एक वर्ड में उनको जवाब देना, खामोश। सर आपकी एक वीडियो थी एंगर इज लाइक डांस, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ठीक है? अरे तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या कर रही हो, जिसको छुपा रही हो? मुझे सीरियसली लग रहा था कि आप तो मतलब खिलखिलाते ही रहते होंगे और नहीं, मतलब सर मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। आपकी वीडियो देखी एंगर इज लाइक डांस, उस वीडियो को देखने के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, अब नहीं करना, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। बट फिर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ना चाहते हुए भी गुस्सा आता है, तो उस सिचुएशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? वापस से मेरी वो वीडियो देख लो। फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे। प्लीज आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट। आपकी वीडियोस देख देख के मैं आज इतना मोटिवेटेड हुआ, मैं मतलब सक्सेसफुल तो नहीं कह सकता बट रियली सर, मैं सर आपके पैर छूना चाहता हूँ सर, अलाउड ही नहीं है सर। सर रियली सर, इधर सर, रियली मैं आपसे इंस्पायर हूँ सर, बोली सर 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 रियली थैंक्स अ लॉट सर, आपसे इंस्पायर हूँ बोली सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आया कंटर लोगों को मजा, हाँ एक लाइन में मजा नहीं आता, ये नौटंकियों में मजा आता है, हाँ अब छुट्टी अंदर सुसुरी। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बस ये पूछना है मुझे आपसे कि लाइक हमें पता होता है हमारा एम क्या है, बट डेली हमें एक वर्ड याद, मतलब ऐसा कुछ वर्ड बताइए जिसे हमें याद रहे कि हमारा एम क्या है, हम लोग भटक जाते हैं डेली। उस एम को लिख लिख करके जहाँ पर भी आप लगा सकते हो, जितनी भी जगहों पे वहाँ पर लगा दो, दीवारों पर, ड्रॉअर में या और तरफ खिला दो। थैंक यू। आपने तीन चार सोने की चेनें पहनी हुई है, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक ये वीडियो इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। जैसे हम मोटिवेशन आपके सेमिनार में आए हैं और वीडियो भी हम देखते हैं, तो उस टाइम तो लगता है यार ये बेस्ट है यार, यही करना है, गोल भी डिसाइड कर लिया, लिख के भी लगा दिया, तो अब बाहर गए बाहर गए, प्रॉब्लम आ गई यार, ये है वो है, सत्र मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, तो उसके बाद वो गोल जो हमें मोटिवेट हुए थे, हम काफ़ी एकदम डाउन में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे एकदम हमें 100% मोटिवेट, मतलब स्टार्टिंग टू डे हमें मोटिवेट ही रहना है और वो चीज़ मतलब पूरी एनर्जी के साथ करनी है, तो ये चीज़ कैसे होगी? जब हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आना था, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप फाइनली यहाँ पर पहुँच ही गए, तो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रुके। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये पाना है, तो बीच में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप रुक नहीं सकते। अगर रुक रहे हो तो इसका मतलब वो जो आप पाना चाहते हो दैट इज जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल, डीपली आप चाहते ही नहीं हो। लेट्स गेट बैक। कौन है भैया? आपका नहीं आया अभी तक नंबर? हाँ सर, मैं यहाँ पे आने के लिए मैं अपना एग्जाम छोड़ के आया हूँ, मैं ये मैंने सही किया या गलत किया है? आपने घोर पाप किया है, आपने अन्याय किया है अपने करियर के साथ। अन्याय? घोर अन्याय, गरम तेल में तले जाने वाला अन्याय। ज्यादा हो गया, जस्ट किडिंग, प्लीज हैव अ सीट। I just want to ask कि जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो आपको बेच के खा जाएंगे, और अगर उनके साथ बुरे होगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया, तो उनसे दूर रहो। और कौन है? मैं एक सर LIC एजेंट हूँ, और सर मेरा जो टारगेट है वो टॉप 10 का है इंडिया में, बट सर कभी कभी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ,
तो उसको सर कैसे कंटिन्यू किया जाए कि मैं अपने एम को चेंज कर सकूँ? जो सबसे पहले तो इस टारगेट को छोड़ दो, ये टॉप 10 में आना, अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को इस फील्ड का मास्टर बनना है, ऐसा मास्टर जो आज से पहले ना कभी हुआ है, ना है, ना कभी होगा, तो टॉप 10 तो क्या आप पता नहीं कहां आ जाओगे। थैंक यू सो मच सर। आई वांट टू बी सेकंड संदीप महेश्वरी सर, हाउ कैन आई? क्या नाम है आपका? हिमांशु। तो बी द फर्स्ट हिमांशु रादर देन बीइंग सेकंड संदीप महेश्वरी, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते रहते हैं हमारे साथ, बट उसके साथ फ्लो में चलना बेटर होता है या कुछ हमें करेक्ट करना चाहिए लाइफ में? लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो जड़ है वो ये है कि लाइफ का अपना एक फ्लो है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उस फ्लो के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हम समझ जाएं कि लाइफ में हमारा क्या रोल है और उस रोल के हिसाब से हम एक्ट करते रहें, उसके हिसाब से हम ऑटोमेटिकली फ्लो में होते हैं, तो लाइफ इतनी तेजी से बह जाती है कि पता भी नहीं लगता है कि टाइम कैसे निकल गया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन मेरा एक ही है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें सर? हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते। थैंक यू। मैंने सर सवेरे आते ही पढ़ा था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एंड सर 90% ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि काश मैंने काम किया होता, काश मैंने काम अच्छे से किया होता, बट इन द मीन टाइम टाइम हाथ से निकल जाता है, बाद में हम कहते रिग्रेट। तो सर माय क्वेश्चन इज कि उस चीज़ को हम कैसे करें लाइक कि काम अच्छे से भी हो, बाद में रिग्रेट भी ना हो। ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं काम को करूँगा, या जब उस काम में मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं उस काम को करूँगा, जब मेरे को परफेक्ट आउटकम नज़र आएगा तब मैं उस काम को करूँगा। जबकि लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका क्या है, काम को करना शुरू कर दो, धीरे 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 करते रहो, अपने आप ही परफेक्ट हो जाओगे। हाय सर। या हेलो सर, मुझे जो पूछना है ना उसका आंसर आप हाँ या ना मत देना, कुछ प्रॉपर आंसर चाहिए। अभी तक मैंने सारे इम्प्रॉपर दिए हैं। आपको किसी चीज से डर लगता है? क्योंकि आपने अपने सेशन में कहा था अगर मेरा ये बिजनेस भी चला जाएगा तो चला जाएगा, तो फिर भी कुछ ऐसा है जिससे आपको डर लगता हो? मेरी बीवी से। सच बोला है, मेरी आंखों में देख सकते हो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। माय क्वेश्चन इज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हिच पीपल डजंट लाइक। तो लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सर लाइफ में लक कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है? जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस किया, उसमें सब सेटअप किया, फिर भी नहीं हो पाया, फिर मैं हार गया, फिर अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं फिर से स्टार्ट करूं, और घर वाले भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तू अनलकी है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपकी खुद की कोई गलती नहीं है, उसको आप डेस्टिनी बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, कोइंसिडेंस बोल सकते हो, चांस बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस नहीं चला तो उसमें लक का कोई रोल नहीं है। जो बिजनेस का चलना और नहीं चलना है वो समझ से कनेक्टेड है, तो वहां पर अपनी किस्मत पे काम नहीं करना है, समझ पे काम करना है। प्लीज हैव अ सीट। सुन के देखो, आज ये राज पास हो ही जाना चाहिए। कई सेशन में मेरे से पूछा जाए, पानी नहीं है वैसे, लेकिन क्या है अब कोई देखते कौन बता पाएगा। सर मुझे आइडिया है सर, सर मुझे आइडिया है। ग्रीन टी नहीं है, तो पी लिया भाई साहब ने। नहीं, पीने के बाद भी नहीं बताया। सिनेमन नहीं है, और कुछ? सब हार गए। Let's give a big hand for him, भाई साहब। अब वही थे ना जिनके मैंने भी पैर छुए थे। अरे अरे गुरुजी कहाँ हो? अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। Please बैठिए। आप कुछ बोलना चाहते थे ना? बोला है। आइए स्टेज पे, माइक लीजिए, मैं वहां पर आ रहा हूँ।
बोलिए। थैंक यू सर हमारी लाइफ में आने के लिए। जब भी हम आपकी बात सुनते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, हम पहले आपकी बात सुनते हैं अब समझते हैं तो हमें अब ज़िंदगी का एक अलग रूप दिखता है। पहले हमें ऐसा लगता था कि हम एक नाव में बैठे हैं, दुख आया तो सर झुका लिया, हंसी आई तो हल्का सा सर उठा लिया, लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद समझने के बाद ऐसा लगता है हम रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, या जो भी आए बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Wish you all the very best and thank you so much for coming.